अस्सलाम वालेकुम जी, अभिषेक आप लोगों के साथ। और ये इन्फ्लेशन का जो डाटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, वो जो डाटा मई का आया है वो बड़ा ही मतलब पिछले महीने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। और अभी तक का जो ये डाटा है, 38% ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये जो इन्फ्लेशन है मई में वो रेट पहुंच चुका है 38%। और ये 76 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, जो पहले था वो तकरीबन 1965 का रिकॉर्ड टूटा था। उसके बाद मतलब आप समझ लीजिए कि जब से पाकिस्तान बना है ये हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन रेट है, 38% इंक्रीज़। और ये है जनरल। और अगर आप फूड की बात करें तो फूड इन्फ्लेशन जो है आपके सामने, ये इंडेक्स है 48.1% इन्फ्लेशन रेट इसका हो गया है। और ये पिछले महीने से आप समझ लीजिए कि 2% तकरीबन ये बढ़ा है। और जनरल इन्फ्लेशन जो है 1.6% इंक्रीज़ हुई है। तो ओवरऑल ये एक बड़ा ही डैमेजिंग किस्म का डाटा है। और इसके बाद देखना ये है कि इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ाया जाता है या नहीं। जो लेकिन लगता ऐसे है कि अगर IMF के साथ डील थोड़ी सी भी नेक्स्ट पीरियड के लिए भी क्लोज होने के करीब पहुँचे हम, तो इंटरेस्ट रेट लगता है ये इस इन्फ्लेशन के डाटा को देखते हुए 25% 24% ये तो लाजमी होने का चांस लगता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।